हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मतीन पेंटर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पेंटर मतीन कुरैशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ कलर बना के दिखाऊंगा ये कलर कैसे बनते हैं। और ये सब प्लास्टिक पेंट है, वाटर कलर। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये वाइट पेंट है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इसे एक कलर से कितने कलर बन सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम लेते हैं सबसे पहले ये फास्ट येलो स्टेनर। ये पीला स्टेनर है और ये पीला पेंट भी है। अगर हम इसको वाइट पेंट में मिलाएंगे ऐसे करके तो ये लेमन येलो बन जाएगा। दोस्तों, ये देखिए आप, ये लेमन येलो बन चुका है। इतने अच्छे से ये बन गया। अब इस वाले पीले को अगर हम मिलाएंगे, तो आप देखिए ये एक क्रीम कलर बन जाएगा। देखिए आप, ये क्रीम कलर है। अगर आपको क्रीम कलर बनाना है तो आपको गोल्डन येलो कलर मिक्स करना पड़ेगा। ये गोल्डन येलो कलर है, ये फास्ट येलो कलर है। अब आगे क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का स्टेनर है, इसको बोलते हैं फास्ट ब्लू। अब इस फास्ट ब्लू को हम इस वाले कलर में मिलाते हैं वाइट में। तो दोस्तों देखिए, ये एक अच्छा सा ब्लू कलर, स्काई ब्लू, आसमानी कलर बन चुका है। अब सबसे खास बात जो है वो क्या है कि ये तीनों कलर ऐसे हैं दोस्तों कि अब इन तीनों रंगों को ही हम एक रंग में तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये नीला कलर मैंने उठा लिया, ये मैं इसमें ब्लू कलर इसमें मिक्स करता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने इसको अब ग्रीन कलर कर दिया है। हो गया दोस्तों, यही कलर इसमें मिलाएंगे तब भी ये ग्रीन कलर ही हो जाएगा। ये देखिए आप, ये भी एकदम ग्रीन कलर बन चुका है। तो आपने देखा कितने अच्छे से ये ग्रीन कलर बन गए हैं। और यही काम हम इस वाले में करेंगे, तब भी देखिए आप, ये ग्रीन कलर बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों रंगों को मैंने एक ही कलर में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, इस तरह से आपको कोई भी वीडियो नहीं बताएगा। और वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये तो था दोस्तों एक रंग का काम। अब मैं आपको दूसरा कलर बना के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपको हम दूसरा कलर दिखाते हैं, मेरा वाइट कलर। ये भी रहा वाइट कलर, ये भी रहा वाइट कलर। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम इसमें ये रेड कलर मिलाते हैं तो ये बन जाएगा पिंक कलर। इस रेड को मिलाने से ये पिंक कलर बन जाएगा। तो आपने देखा कितने अच्छे से ये पिंक कलर बन चुका है, ये पिंक बन गया है। अब हम इसी में ये पीला कलर मिलाते हैं। ये देखिए अब ये पीला कलर क्रीम कलर में तब्दील हो चुका है, ये बन गया दोस्तों, ये क्रीम कलर में तब्दील हो चुका है। अब हम इसमें एक स्टेनर और मिलाते हैं। अरे मेरे कचरा था, ये येलो ऑक्साइड है। ये भी दोस्तों क्रीम कलर जैसे ही दिखने वाला होता है, इसको येलो ऑक्साइड स्टेनर बोलते हैं।
तो ये देखिए आप, ये तीन कलर में चेंज हो चुका है और दुनिया के सबसे बेस्ट कलर है ये घर के अंदर करने वाले। अब अगर मान लीजिए ये कलर बनने के बाद तो कोई फेल नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा कलर होता है जो सबको अच्छा लगता है। लेकिन घर के अंदर अगर ये दोनों कलर बन गए, और अक्सर लेडीज जो होती हैं उन्हें कलर पसंद नहीं आते हैं जल्दी, तो उन्हें पिंक कलर या ऑक्साइड कलर, पर्पल कलर, इस तरीके के कलर पसंद होते हैं। अब ऐसे कलर अगर आपके बन गए, आप सोच रहे हैं चेंज हमें कर लें, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये येलो कलर है, इसमें आपको ये रेड कलर अगर आप इसमें मिला देंगे तो ये देखिए आप, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके ऑरेंज कलर में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए आप ये कितने अच्छे से ऑरेंज कलर बन चुका है। इसमें अगर आप, अगर इस कलर में आप थोड़ा सा लाल मिला देंगे, ये देखिए आप, ये थोड़ा सा मिल गया, तो ये जैसलमेर स्टोन कलर जो होता है, पत्थर वाला कलर, ये पत्थर के जैसा कलर आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये कलर भी आपको कैसा लगा? अब दोस्तों देखिए, अब ये हमने फिर से रख दिया है वाइट पेंट, ये भी हमने वाइट रख दिया है, अब ये भी हमने वाइट रख दिया है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वॉयलेट है दोस्तों, ये कलर महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये पर्पल कलर है जो बैंगनी कलर होता है। अब हम इसको इसमें लेते हैं और देखिए आपके ये कितने अच्छे से एक पर्पल कलर बन जाएगा। ये हमने इसमें मिला दिया है, ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिल रहा है। इसको आप पसंद के हिसाब से हल्का भारी भी कर सकते हैं, ऐसे करके जितनी ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ाएंगे ये उसमें कलर चेंज करता जाएगा। ये देखिए अब ये एकदम चेंज हो चुका है। अब दोस्तों ये है ब्लैक स्टेनर, इस ब्लैक स्टेनर को हम से मिलाएंगे तो ये ग्रे कलर बन जाएगा। देखिए अब ये बन रहा है ग्रे कलर, ये देखिए तो ये एक अच्छा सा ग्रे कलर बन गया है, यानी सीमेंट जैसा दिखने वाला कलर जो होता है। अब आप इसमें जितनी भी मात्रा बढ़ा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं इधर आपको मिला के दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये इस तरह से आप इसको और काला कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इस तरह के पेंट लगाए जाते हैं ताकि गंदगी दिखाई ना दे दीवार पर। तो दोस्तों ये थे कुछ कलर, और आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।